ओके स्टार्ट करें। ठीक, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि फंजाई किंगडम के जो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए थे और हमने देखा था कि कितने कैटेगरी में फंगस को डिवाइड किया गया है, राइट। आज हम उस एक एक कैटेगरी को पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी फाइकोमाइसिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइको मतलब रिलेटेड टू प्लांट और माइसिटीज मतलब होता है माइसीलियम। फाइको मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड और माइसिटीज मतलब होता है माइसीलियम। तो ये ऐसे आपके फंजाई हैं जो कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो कि प्लांट्स का होगा, इसीलिए इन फंजाई को एक नाम दिया जाता है एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई, इन फंजाई को एक नाम दिया जाता है एल्गल फंजाई, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनमें एसेप्टेट टाइप का माइसीलियम होता है। कैसा माइसीलियम होता है? एसेप्टेट माइसीलियम। एसेप्टेट मतलब हुआ, मैंने कल आपको हाइफी बताया था, हाइफी, हाइफी के कलेक्शन को ही हम क्या कहते थे? माइसीलियम। हाइफी जब नेटवर्क बनाता था उसी को हम कहते थे माइसीलियम, ओके। अगर आप को ये चीज़ें माइसीलियम हाइफी समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर एटलीस्ट देखो, वहाँ मैंने फंजाई के बेसिक्स बताए हैं। फंजाई के बेसिक्स आपको पता होंगे तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अलग अलग ऐसे ऐसे क्लैरिफाई होता तो हम इसे कहते हैं सेप्टा, लेकिन आपके जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं उसमें ये सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एसेप्टेट कंडीशन और उस माइसीलियम को हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम, क्लियर। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज में बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है आपके विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स या फिर ए प्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होते हैं? जूस्पोर्स का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल हों। क्या हों? मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जो मूवमेंट कर सके, कैन मूव, ओके। ऐसे स्पोर्ट्स जो मूवमेंट कर सके। ए प्लानो मतलब होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब कि ऐसे स्पोर्ट्स जो कि मूव ना कर सके। देखना ज़रा, अगर मैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा ऑफकोर्स ऊ स्पोर्ट्स से। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपके ऊ स्पोर्ट्स से। अब जो ये स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स हैं क्या? एक्चुअली में स्पोर्ट्स छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। कोई भी एक छोटे से बैग में प्रोड्यूस होने वाले छोटे छोटे से स्पोर्ट्स जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके, उन्हें हम स्पोर्ट्स कहते हैं, सिंपल, ओके। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके म्यूकर और एक एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो राइजोपस का स्ट्रक्चर देखना कुछ इस तरह का होता है। ये रूट्स नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रॉपर रूट्स नहीं है। इस तरह का कुछ राइजोपस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये राइजोपस की जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी का ही दूसरा नाम होता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। फ्रूटिंग बॉडी का दूसरा नाम होता है स्पोरेंजियम, यानी कि ऐसा थैली जो स्पोर्स रखता हो, स्पोरेंजियम। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको स्पोरेंजियम, एंजियम मतलब होता है थैली या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैक, ओके, सैक। और स्पोरेंजियम मतलब स्पोर्स, यानी ऐसी थैली जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो,
स्पोर्स प्रेजेंट हो। अगर ये स्पोरेंजियम है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या ये स्पोर्स किसी थैली के अंदर बन रहे हैं? यस, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो स्पोर्स हैं वो एंडोजीनस हैं। एंडोजीनस मतलब ये सैक के अंदर बनते हैं, अंदर बनते हैं, ये किसी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स। और ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये है राइजोपस का स्ट्रक्चर, राइजोपस। ब्रेड वगैरह कितने, कभी अगर ब्रेड को आप छोड़ दो, ब्रेड को ऐसे आप रख दो तो उसके ऊपर हरी हरी सी, बहुत दिन तक आप रख दो उसे तो उसके ऊपर हरे हरे से कुछ स्ट्रक्चर जम जाते हैं, हम कहते हैं फफूंद लग गई है ब्रेड पे, तो वो एक्चुअली राइजोपस ही होता है। वो जो ब्रेड पे फफूंद लगती है वो राइजोपस ही होता है, और उसी में ये स्पोर्स वगैरह बनते हैं। ये क्योंकि बहुत छोटा स्ट्रक्चर है तो आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर डिटेल में अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह का वो नज़र आएगा, और ये हल्के ग्रीन ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर? तो आप इजीली इसको फील कर सकते हो राइजोपस को। तो देखो, आपको याद रखने वाली बात, राइजोपस में जो भी स्पोर्स बन रहे हैं वो बनते हैं स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम यानी कि स्पोर्स कंटेनिंग सैक। ओके, तो इसी को फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। जैसे ही ये थैली फटेगी, स्पोर्स बाहर आएंगे तो एक नया राइजोपस बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाकी फाइकोमाइसिटीज की, तो सब में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। सेक्सुअल होगा जू स्पोर्स से, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो चल फिर सकें। अगर इन स्पोर्स के पास कुछ चलने वाले स्ट्रक्चर्स हों तो हम उसे कह देंगे जू स्पोर्स। और अगर चलने वाले स्ट्रक्चर ना हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें सिर्फ राउंड सा बना दिया, इसमें कुछ फ्लैजिला वगैरह नहीं लगाया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एप्लानो स्पोर्स। वो स्पोर्स क्या होते हैं, वो स्पोर्स देखना, वो स्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्या बनना है, एक मेल गैमेट बनना है और एक फीमेल गैमेट बनना है। देखो ये सिंबल होता है फीमेल का, है ना, ये सिंबल है फीमेल का और ये वाला सिंबल है मेल का। तो वो स्पोर्स में क्या होता है, एक मेल स्पोर होता है जिसके पास फ्लैजिला होती है यानी वो मोटाइल है, और एक बड़ा सा फीमेल स्पोर होता है, इसी को कहते हैं हम ऊ स्पोर, ऊ स्पोर। ये मेल का जो गैमेट है और ये फीमेल का गैमेट है, ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तब एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगो स्पोर, जाइगो स्पोर। इन दोनों के फ्यूज़न से एक नया चीज़ बनता है जिसे कहते हैं जाइगो स्पोर, यानी कि आप समझ सकते हो जाइगोट। ये जाइगोट की तरह होगा। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो बड़ा होकर के क्या बनाएगा, एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप हमेशा ध्यान रखना, एक फीमेल गैमेट की ज़रूरत होती है, एक मेल गैमेट की ज़रूरत होती है, सॉरी ये मेल है ये फीमेल, ठीक है। वो स्पोर वाली कंडीशन में एक छोटा सा मेल गैमेट होगा जो कि चल फिर सकता है, और एक फीमेल गैमेट होगा, ठीक है। दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा आपका, दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगो स्पोर, जैसे कि जाइगोट होता है, सिमिलरली जाइगो स्पोर बनेगा, और जाइगो स्पोर बड़ा होके एक नया फंजाई बन जाएगा। क्लियर? इतनी सी बातें थी आपकी फाइकोमाइसिटिस में। मेनली आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि म्यूकर और राइजोपस किसके एग्जाम्पल हैं, आपके फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो फाइकोमाइसिटिस में बस इतना सा है, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस का एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, इसे हम एल्गल फंजाई कहते हैं। ओके, इतनी बातें आप याद रखोगे फाइकोमाइसिटिस के लिए। एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो भी एक आपका फंगस है जो कि फाइकोमाइसिटिस का ही मेंबर है। एल्ब्यूगो के लिए एक बात कही जाती है कि ये होता है पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। ये मस्टर्ड प्लांट पे क्या होता है, पैरासाइट होता है, ये मस्टर्ड प्लांट पे ग्रो करता है। एल्ब्यूगो नाम की फंगस होती है ये। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना रखा है एल्ब्यूगो का, कुछ इस तरह से ये फंगस दिखाई देती है, कुछ इस तरह की ये फंगस होती है।
ये बहुत जूम स्ट्रक्चर है। अगर आप फंगस देखोगे तो बहुत ये छोटी सी होती है, एक्चुअली बहुत छोटी होती है। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। क्लियर? तो ये आपके तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं फाइकोमाइसिटीज में। पहला एग्जाम्पल है आपका म्यूकर, दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस, तीसरा एग्जाम्पल है आपका एल्ब्यूगो। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके एस्कोमाइसिटीज। ओके, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी हम पढ़ते हैं पूरे फंजाई के किंगडम में फाइकोमाइसिटीज, एस्को और बेसिडियो, इन तीनों में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एस्कोमाइसिटीज, सो बी रेडी फॉर दैट।